हरे कृष्णा, मैं अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा थैंक्स, क्योंकि आपने उस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसी का पार्ट टू आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ झोला बैग्स हैं और मैंने बताया था यहाँ बहुत सारे तरह तरह के ना बीड बैग्स थे, बहुत ही कलरफुल बैग्स थे। मतलब जिस प्रकार के आपको चाहिए ना कि हाँ मेरा बीड बैग ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पे वो सब कुछ था। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ ईयरिंग्स रखे थे, कुछ नरसिम कवच रखे थे और कुछ हाथ में डालने वाले जो ब्रेसलेट्स जो होते हैं ना, कुछ बॉयज़ के थे, कुछ गर्ल्स के भी थे। और ये राधिका आपको दिखा रही है, भगवान श्री कृष्ण जी के डॉल्स, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान। यहाँ ये डॉल्स तो बहुत ही सुंदर सुंदर थे और मतलब बहुत ही सारे थे। और ये कुछ आई थिंक स्टोन्स हैं, इनका ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है तो मैंने फिर भी आप सबके लिए रिकॉर्ड कर लिया है। और ये हैं गौरनिताय, ये सब राधिका आपको दिखा रही है, गौरनिताय हैं। पीछे आपके जो है राधा कृष्णा भी हैं। तो और ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, ये तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर, क्योंकि इनके जो नीचे ना बहुत ही सुंदर एक डिज़ाइन बना हुआ था। और ये कुछ तिलक के बॉक्सेस रखे हुए हैं, वो मैं आपको कई ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ, शॉपिंग वाले ब्लॉग्स में ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ। ये राधा कृष्णा और उनकी दो सखियाँ ललिता विशाखा, और ये राधिका ने ही बनाया आप सबके लिए, अच्छे से रिकॉर्ड कर रही है और सब दिखाई जा रही है कि मामा ये दिखाओ, मामा ये दिखाओ। ये काउज है, फिर से सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, तो ये हैं। और यहाँ पे कुछ शो पीसेस भी हैं, ये अपने आप रोटेट होते हैं, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा था। और आप देख सकते हैं बहुत सारे बीड बैग्स, मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट बीड बैग्स हैं। मैंने भी यहाँ से कुछ बीड बैग्स लिए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। और कुछ बीड बैग्स तो मतलब इतने ज़्यादा मतलब प्लेन में थे और इतने सुंदर लग रहे थे। और राधिका फिर से ले आई है गौरनिताय तो आगे मैं आपको दिखा रही थी प्लेन बीड बैग्स हैं, कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले भी थे और काफ़ी हैवी जो मटेरियल था इनका। और कुछ कढ़ाई वाले थे जो होता है ना, जो थ्रेड वर्क होता है वो भी थे, कुछ प्रिंट्स भी थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे तो सभी के सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये सिंपल वाले में भी बहुत ब्यूटीफुल थे ये वाले, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल था इनका, जिस पर स्टार्स बने हैं ना, ब्लैक एंड वाइट जो दोनों टाइप के हैं वो हैं। और ये जो ब्लू वाला है ना जो, वो मैंने ले लिया था। और हम अभी बीड बैग्स ही चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप भी बीड बैग्स को देख लीजिए। और ये देखिए कितना सुंदर है ना, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया का डिज़ाइन है, मैंने इसलिए आपको दिखा दिया, ये मुझे अच्छे अच्छे लग रहे थे। और ये कुछ माताओं को ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए अभी हम आगे दिखा देते हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये कुछ बहुत ही हैवी वाले मटेरियल होते हैं उसके बीड बैग्स हैं। ये कुछ लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस हैं, ये मैंने एक और शॉप पे भी आपको दिखाए थे, बहुत ही हैवी है। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि क्या माता जी यहाँ पर डिफरेंट साइज़ के लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैंने आपको इस पर नंबर दे दिए, आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या वो मतलब ऑनलाइन आपको कुछ अवेलेबल करवा पाएंगे, तो आप मुझे बताइएगा। नहीं तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं कोई और ऑप्शन ढूंढ के आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी या फिर किसी ब्लॉग में डाल दूंगी। और यहाँ मैं आपको प्रयास कर रही हूँ नए नए डिज़ाइन दिखाने का, लाइट वेट में, थोड़ा हैवी वेट में। ये कितना सुंदर लग रहा है पिंक वाला, पर मैंने लिया नहीं। मैंने यहाँ से सिर्फ दो बीड बैग्स लिए थे और प्रभु जी ने लिए थे चार बीड बैग्स, और लेकिन मैंने देखे सारे के सारे थे। और ये वेलवेट में था, आप इसको सर्दियों में ही यूज़ कर पाएंगे, गर्मियों में लेंगे तो आपके जो हाथ है ना उसमें इतने पसीने आएंगे कि बस पूछो ही मत। और ये बहुत ही हैवी वाले होते हैं, मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी हैं
मैंने किसी को गिफ्ट भी कर दिए, क्योंकि किसी किसी को हैवी अच्छे लगते हैं ना। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, और इनके सारे श्रृंगार का सामान भी था यहाँ पर। और ये जो जितना भी आपको सामान दिख रहा है ना पीछे रखा हुआ, ये सब के सब वो है जो माताओं का सामान है, जैसे कि पायल है, कुछ जो हार डालने वाले हैं, ये सब के सब लॉकेट्स थे, जगन्नाथ लॉकेट हैं, और कुछ नरसिंह भगवान के लॉकेट्स हैं। ये देखिए, ये नरसिंह देव भगवान के लॉकेट्स हैं, ये गले में डालने के लिए होते हैं, इसके साथ ब्लैक थ्रेड भी है। तो अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर तो बहुत ही सारा सामान था, ये सब जो है ना ऑल्टर में भगवान के आसपास जो सजाते हैं ना, मोर और पैरेट्स, ये सब थे, कुछ गायें थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। और ये कवच है, और बहुत ही सारे मतलब बीड बैग्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये ऊपर मैं सीनरीज मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है ये, और ये जो बीड्स हैं। तो चलिए मैं आपको एक बीड बैग और दिखा देती हूँ, ये जो पीच कलर में है, ये बहुत ही सुंदर बीड बैग है, ये वुलन बीड बैग है, ये भी सर्दियों में ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ, कुछ काउंटर्स हैं, और इसका नाम मेरे दिमाग से एकदम स्किप हो गया है, इनको क्या कहते हैं, इस तरह से वो होता है ना फ्रिज पे मैग्नेट लगते हैं उस टाइप से, बट लेकिन मैग्नेट की जगह सेफ्टी पिन लगी होती है, आप बताना अगर आपको पता है तो, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख देना मुझे। और ये तिलक हैं, जैसे हम वो बॉक्सेस में लेते हैं ना छोटे छोटे, ये ओपन तिलक है। और ये बहुत ही सुंदर सुंदर काउंटर यहाँ, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, हर डिज़ाइन में थे, और मैंने कुछ ले भी लिए डिवोटीज़ को गिफ्ट करने के लिए, कुछ काउंटर्स मैंने ले लिए। मैंने वो दिखाऊंगी मैं आपको कभी, अगर घर का कोई ब्लॉग बनाऊंगी उसमें दिखा दूंगी, कांच के हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे बहुत ही तरह तरह के मैं आपको दिखाने के लिए सब के सब आगे कर रही हूँ। ये बहुत ही मोटे मोटे बीड्स हैं, किसी में छोटे छोटे बीड्स हैं, कुछ लकड़ी के बने हैं, कुछ कांच के बने हैं, कुछ प्लास्टिक के भी हैं विद डिफरेंट डिज़ाइंस। और ये तुलसी महारानी के ड्रेसेस हैं, बहुत ही सारे ड्रेस थे और बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस थे। यहाँ से मैं ड्रेस नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे लगा मैं बाद में ले जाऊँगी, बट मुझे बाद में समय ही नहीं लगा। तो बहुत ही तरह तरह के हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले में भी थे और प्लेन भी थे, तो वो आपके ऊपर है, वो आप क्या मतलब किस तरह का पसंद करते हैं। और ये है रिंग्स, ये माताओं की मतलब का कॉर्नर है, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पायल है, ईयर रिंग्स थे, और कमरबंद कहते हैं ना वो भी थे, बहुत ही सारी चीज़ें थी, मुझे तो शायद ना भी पता हो, जो माताएं पसंद करती हैं उनको पता चल जा रहा होगा। ये आई थिंक कुछ मोर के डिज़ाइंस बने हुए हैं, तो आप जब भी कभी जाएं तो देख सकते हैं। और ये जो शॉप थी ना, कहीं बोल रहे थे कब लगती है, ये गौर पूर्णिमा के समय पे ही कुछ काउंटर्स लगते हैं, वो वाली शॉप्स हैं ये। तो ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शंख हैं, और ये जो है जो स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं उनको ऐसे इयररिंग्स बहुत ही अच्छे लगते हैं पहनने में, और मुझे भी जब मैं देखती हूँ उनको पहने हुए देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है। और ये सब के सब पैचेस हैं, ये मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं जगन्नाथ जी के, इस्कॉन के, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मालाएं ही रखी हुई हैं। और ये राधिका दिखा रही है आपको, जो मैंने डाली है ना गले में उसी प्रकार की है ये भी। और तो ठीक है, ये ब्लॉग मैं आज ही एंड करना चाहूँगी, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहिए। और अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर ब्लिसफुल वीडियोस। और मायापुर सीरीज़ अभी चल ही रही है, तो ठीक है, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।